यार ये साबुन के मिल्क शेक इतने महंगे हैं ना कि बंदा तमीज से घर में ही बना के पी ले। मतलब कि यार 300 रुपए का ग्लास पीते हुए भी बंदा 3 घंटे लगाए तो फिर जाके उसके पैसे पूरे हो। तो खैर एनीवेज जब मैं पाकिस्तान वापस आई दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट एंड आफ्टर दैट आई गेव बर्थ विद सी सेक्शन सो आई वाजंट एबल टू वर्क वेरी मच। मतलब मैं इतने अरसे में कोई ज्यादा कोई खास काम कर ही नहीं सकी घर में और अब जाके फाइनली मुझे ऐसे लगता है कि आई एम बैक टू माय नॉर्मल रूटीन। मतलब कि ऑब्वियसली विद बेबी आपकी नॉर्मल रूटीन तो वैसे वापस नहीं आती लेकिन फिर भी काफी हद तक बेहतर हो गया। तो मैंने सोचा कि यार दावत करनी है मैं घर पे करूंगी, मैं खुद खाना पकाऊंगी क्योंकि सच में मैं अपना बताऊं ना आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ पर्सन और कसमें जब खाना पका रहे हो और किचन में दावत हो तो ये हालत हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ के तरीके से मटन पकाया। इसके लिए बस गोश्त में 4 चीजें डाली, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट नमक काली मिर्च और बस जब वो गोश्त गल जाए तो दही डाल के भून। और सच में ये बहुत मजे का बनता है। हाँ तो मैं बता रही थी आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे इसलिए शौक होता है खाना पकाने का कि यार ऑब्वियसली सब खाएंगे तो तारीफ करेंगे। यार ऑब्वियसली इतनी मेहनत के बाद तारीफ तो आपका हक है और ये मेरी फेवरेट रेसिपी ऑब्वियसली। यार ये मैं इसलिए पकाती हूँ कि सबको ये बहुत पसंद आती है। तो दिस इज कबाब हांडी और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुकी हूँ। अब तक के मेरी हेल्पर मुझे कहती है भाभी मैंने ये सालन पहली दफा खाया है बहुत मजे का बना हुआ है। तो सच में अगर आपने तारीफें वसूल करनी है ना तो लिटरली यार दिस इज द वन। और अल्लाह का इतना शुक्र यार पहली दफा आज गैस थी गई दिन में। इसके बाद ये मेरी अम्मा की रेसिपी है सिरके वाला चिकन। अगर आपने सबसे आसान कोई काम करना है ना कसमें यार दिस इज 2 मिनट रेसिपी। तो करना सिर्फ ये है कि आपने ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट नमक काली मिर्च और 1 कप सिरका वो इसमें डालना और इसको गलने के लिए रख देना और बस। यार ये इतना मजे का बनता है ना सच में। किचन की हालत देख के परेशान नहीं होना, ये हमने सारा कुछ बाद में साफ कर दिया था। मुझे उस टाइम सिर्फ इतना था कि यार फटाफट खाना पक जाए क्योंकि 2 बजे का मैंने उनको टाइम दिया और अगर गैस चली गई ना तो सिलेंडर से तो खाना पकाते हुए मुझे वैसे मौत पड़ती है। ये जो मैं बारी बारी दिखा रही हूँ ना मैं ये पैरेलल कुकिंग कर रही थी, लाइक मैंने 2-2 चूल्हों पे इकट्ठे खाने बनाए तब जाके आप दोपहर वाली दावत का टाइम मीट कर सकते हो। और वो मेरी हेल्पर मुझे कहती है भाभी जिस दिन दावत होती है ना एक बंदा तो सिर्फ बर्तनों पर खड़ा रहे। लाइक यार कसमें बर्तनों को वो इतनी बरकत पड़ती है, सिंक तो खाली होने का नाम ही नहीं ना लेता। इसके बाद मैंने बिरयानी भी बनाई और दावत करने का सेकंड उसूल आपने सिर्फ खाना बना के टेबल नहीं सजाना बल्कि खुद भी तमीज से तैयार होकर बैठ। और यार अभी तो मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा इतना छोटा है कि वो एक जगह पे होता मतलब है। अभी तो उसका क्रॉल करने वाला टाइम भी नहीं आया और कमरा हर वक्त इतना फैला रहता है, लाइक 90% ऑफ द टाइम तो मैं उसकी चीजें ही संभाल रही होती हूँ। तो खैर उसके बाद मैं खुद तैयार हुई, मैंने मुस्तफा को तैयार किया और एंड टाइम इधर से मेहमान एंटर हुए और इधर से मुस्तफा साहब ने डायपर गंदा कर दिया। और हाँ यार उसके बाद हमने बिरयानी भी बनाई थी और इनके एजाज में ये दावत रखी गई बिकॉज शी इज ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। कई दफा ऐसे होता है की वो आके जब दरवाजा बजाता है हमारे लिए सब पता लगता है क्या हो गया। मतलब कि यार मैं हैरान होती हूँ ये लोग इतना पढ़ कैसे लेते हैं। और सुबह उठते सारे सबसे पहले मैं मीठा भी बनाया था इनके लिए। दावत 2 reasons की वजह से थी। First she won a gold medal and secondly she also got a government job of 17 scale। माशाल्लाह माशाल्लाह यार कितना टैलेंट है लोगों में। के नहीं सिर्फ आप में। ओके बाय बाय थैंक यू सो मच। वेलकम बहुत मजा आया। यू लुक सो स्मार्ट सीरियसली। बहुत मजा आया जी, बहुत थैंक यू। इतने दिनों बाद जो आखिर प्लान हुआ तो बहुत बेस्ट प्लान हुआ। चलो वैसे मेरा टाइम खत्म हो रहा है। तो एनीवेज यार इतनी मेरी तारीफें हो रही थी। सो आई एम गोना एडवाइज ऑल द गर्ल्स यार आप जितना मर्जी पढ़ लो ना दिस इज रियलिटी। जो हमारी अम्मियाँ कहती है ना कि कल को खाने और रोटियां तो पकानी ही पड़नी है, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको आता है पकाने और आपको शौक है। और अगर नहीं भी है ना तो कोई टेंशन नहीं है। आजकल तो यार यूट्यूब का जमाना है, बंदा इधर से खोल के देखे इधर से पका के फारिग करे। और यहाँ तक कि अंकल मुझे कहते हैं कि बेटा आप खाना अच्छा पका लेती हो ना तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह के भी आपका ही रहेगा। सो एनीवेज दिस इज द वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब। अगर किसी को शौक चढ़े बनाने का तो यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो यू कैन डीएम मी on Instagram and thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.